तो भाई कराची के लौंडों, अगर आपको दुल्हन की तलाश है तो गुलशन इकबाल 13D ब्लॉक 3 में आ जाएं। यहां दुल्हन हासिल करने के लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ 300 रुपए चाहिए। ये है दुल्हन पराठा। ये ना तो आलू का पराठा है और ना कीमे का, ना ही पिज्जा पराठा, बल्कि ये अपनी नौयत का अनोखा पराठा है जिसे दुल्हन पराठा कहा जाता है। इसे शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, चिकन, आलू और चीज से एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। नौमान कॉम्प्लेक्स के अकब में मौजूद क्वेटा बलूचिस्तान कैफे में सिर्फ 300 रुपए का इतनी ज्यादा चीजों से सजा संवरा पराठा खाएंगे तो आप भी कहेंगे के मजा आ गया उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको आगे चल के बता दूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ। असल में हमने मुख्तलिफ तरह के पराठे खाए हैं, कीमा पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, आलू पराठा और भी मुख्तलिफ तरह के पराठे हैं, लेकिन कराची में पहली बार दुल्हन पराठा मिल रहा है। इस पराठे का नाम रखा गया है दुल्हन पराठा, और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इसमें ज़ाहिर है इसका कोई 16 सिंगार तो इसका होना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या क्या चीज़ें डलनी है वो एक बड़ी एक एक्साइटेड हूँ मैं उसको देखने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने ऐसा सुना था कि हैदराबाद में ये दुल्हन पराठा मिलता है। अब मैं इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कराची में ये पहली बार है जो दुल्हन पराठा यहाँ पर मिल रहा है। मेरे पीछे होटल है बलूचिस्तान क्वेटा होटल के नाम से, यहाँ पर वो पराठा दिया जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बनता है और अब आएगा मज़ा। अच्छा जी, तो इस वक्त इस होटल के ओनर मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी थोड़ा सा बिजी हैं, तो मैंने बोला आप बात करते करते, मतलब काम करते करते आप हमसे बात कर लें, आपका हाथ नहीं रुकेगा। हुसैन भाई जी, जी ये दुल्हन पराठे का क्या सीन है? दुल्हन पराठा जो है ना, उसमें चिकन होता है, चीज़ होता है और मुख्तलिफ किस्म की सब्ज़ियाँ होती है उसमें। अच्छा, सब्जी भी डलती है, चीज़ भी डलती है और चिकन भी डलता है। जी जी, तो ये नॉर्मल पिज़्ज़ा पराठा जो होता है उससे मुख्तलिफ है? उससे बहुत मुख्तलिफ है। और क्या रेट क्या है इसके? 300 रुपये का रेट है इसका। 300 का? और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे इसको दुल्हन पराठा इंट्रोड्यूस कराए थे? तकरीबन ये हमारे चौथा महीना शो चल रहा है यहाँ पे। चौथा महीना, अच्छा रिस्पांस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, दुल्हन पराठे के बारे में हमने सुना था कि ये लियाकताबाद कह रहा हूँ, मैं अपना इलाका कह रहा हूँ, हैदराबाद में ये मिलता है। जी जी, तो आपने क्या हैदराबाद की रेसिपी चोरी की है या अपनी रेसिपी? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना वो है, जायका है, हमारा अपना क्वालिटी है। तो हैदराबाद में ये पहले से मिलता है, कराची में और कहीं नहीं मिल रहा है ना? कराची में भी मिलता है, बहुत जगहों पे मिलता होगा, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तीसरा महीना चालू किया है। मिलता होगा या मिलता है? नहीं नहीं, मिलता होगा, मिलता होगा, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं है, ये खुद ने देखा है ना सुना है। हाँ, तो मैंने भी ऐसा नहीं सुना। अगर आप लोगों को पता है कि वाकई में ये दुल्हन पराठा कहीं मिलता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे पहली बार सुना है। तो ये दुल्हन पराठा बनता किस तरीके से, ये सारी चीज़ें देखते हैं इनके पास, वहाँ पर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, सारे इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं और उसके बाद खाते हैं और फिर मज़ा करते हैं। ये हैं आता जान, जो हमारे लिए दुल्हन पराठा हमारे लिए तैयार करेंगे। आता जान भाई, कैसे तैयार करेंगे बताएंगे? बस बात दुल्हन पराठा है भाई, पेड़ा उठा देता है, बीच में से कट कर देता है, डबल साइज का है, चिकन डलता है, चीज़ डलता है, मुख्तलिफ किस्म की सब्ज़ियाँ डलते हैं इसमें, मतलब अच्छा होता है पराठा। आपको कितना टाइम हो गया पराठा बनाते हुए? तकरीबन मुझे पराठा बनाते हुए 3 साल तो हो गए। लोग पसंद कर रहे हैं? टाइट, माशाल्लाह टाइट काम चल रहा है अभी भी। अच्छा, 3 साल अगर आपके हो गए बनाते हुए तो यकीनन आपके हाथ में जायका होगा। इसके अलावा कौन कौन से पराठे बनाते हैं आप? मतलब पिज़्ज़ा पराठा हो गया, चिकन पराठा हो गया, चीज़ पराठा हो गया, आलू चीज़ पराठा हो गया, ऐसे हर आइटम के पराठा है। हर आइटम का पराठा है? हाँ हाँ। और हर आइटम के रेट? रेट जो है पिज़्ज़ा का जो है 300 रुपये का है, दुल्हन पराठा 350 रुपये का है, ऐसे चीज़ पराठा जो है 100 का है, चॉकलेट पराठा 100 का है। चॉकलेट पराठा भी है? जी, चॉकलेट भी है। ठीक है, सबका 100-100 रुपये रेट है, आलू का 80 रुपये रेट है, कबाब पराठा है, ऐसे मतलब हर आइटम का पराठा। मुझे नॉर्मल जो सादा पराठा होता है घी वाला, वो 40 रुपये कम दे रहे हैं, वो 40 का है। ठीक है, तो दुल्हन पराठा हमारे लिए आप लगा दें, अच्छा सा प्यारा सा। बिल्कुल लगाएंगे, टाइट, जायकेदार होना चाहिए, टेस्टी। ठीक है, तो बस फिर आप बनाना शुरू करेंगे और जो जो चीज़ आप बनाएंगे वो आप बताते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये गाजर आपने दुल्हन पराठे के लिए काट दी है? जी जी, अभी ये दुल्हन पराठे का तैयारी हो रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा गाजर डलेगी इसमें? नहीं, मतलब ये तैयार करेंगे, अगला ऑर्डर के लिए भी तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा, वैसे काट के रख रहे हैं। ठीक है,
ये शिमला मिर्च अभी इसमें काटेंगे दुल्हन पराठे के लिए। जी जी दुल्हन पराठे के लिए। ठीक है, शिमला मिर्च काटी जा रही है दुल्हन पराठे के लिए, टमाटर भी दुल्हन पराठे के लिए काटे जा रहे हैं। अभी इधर तवे पे आ रहा है, अभी इसको ना स्टीम लगाएंगे, स्टीम लगाने के बाद 5-6 मिनट स्टीम होगा इसका। टमाटर शिमला मिर्च और गाजर को तवे पे रख के इन्होंने ऊपर से प्लेट रखकर ढक दिया है और स्टीम लगाई जा रही है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल आ गया है, थोड़ा सा ऑयल आ गया, अभी इस पर बस ये रखेंगे कुछ टाइम। अभी जो है दुल्हन पराठे का पेड़ा कट रहा है। अच्छा, इसका पेड़ा अलग होता है या वही आम पराठे वाला पेड़ा होता है? आम खास पेड़ों जैसे, बस हम थोड़ा सेटिंग करके काटता है इसका। ठीक है, होता तो वैसे ही आम पराठे वाला है ना? आम पराठे वाला जैसा है वही पेड़ा है। ये भी इसका ऊपर का हिस्सा है, फ्रंट है, इसको फोल्ड करेंगे फिर। अच्छा, दो हिस्सों में है, एक नीचे एक ऊपर? एक नीचे एक ऊपर, फिर ये फोल्ड होगा। अच्छा, अभी स्टीम लग गई है इस पर, इसको बिल्कुल कुचल देंगे। हाँ, अभी कुचलने के बाद इनके फ्रंट में आएगा, सही आएगा। क्या कहते हैं इसको, खुरपी कहते हैं आप जिससे कुचल रहे हैं? हम इसको कटाखट बोलता है। कटाखट कहते हैं? हाँ। और जिससे बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ये जो हाथ में आपके? इसको हम स्लीपर बोलता है, अपना पश्तो में हम इसको पत्री बोलता है। अच्छा अच्छा, तो इसको स्लीपर कहते हैं और स्लीपर से इसका कीमा बनाया जा रहा है। सब्जी का कह सकते हैं कि हम मोटा मोटा सा पेस्ट कह लें या फिर इसको सब्जी का कटाखट कह लें। ये क्या कर रहे हैं? ये बस अब आ रहा है दुल्हन पराठे में। ये क्या चीज़ है जो आपने डाली? ये आलू है, मतलब ये आलू का सब्जी है। आलू का सब्जी है? हाँ। और इसको पहले से किस तरीके से आपने इसका पेस्ट बनाया हुआ है? आलू को उबाल के मसाले वगैरह डाले हैं? मुख्तलिफ किस्म की सब मिसाले डाला हुआ है, उबाला हुआ है, अभी इसको कूटा है, फिर मतलब ये अभी आलू मिसाला हमने तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये डाली जा रही है चिकन, और चिकन भी आपने इसको उबाल के चिकन के रेशे बना के और इसको मसाले वगैरह लगा के ये पहले से तैयार करके रखी हुई है। अच्छा, ये क्या किया जा रहा है भाई? अभी इसको पराठे बंद कर, इसके ऊपर डाल के कवर कर दिया गया है पराठे को, ये ऊपर से ढक कर इसको साइडों से बिल्कुल जो लेवल कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है इसके ऊपर वाला पराठा, पराठे की जो ऊपर वाली परत है वो रखी, इसको बंद कर दिया गया है। तलते वक्त ये खुले नहीं, इस वजह से इसको पैक किया जा रहा है। ये पराठा रख दिया गया है तलने के लिए तवे पर। इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा ये, थोड़ा सा पहले ऐसे ही सेकेंगे उसके बाद तेल डालेंगे? हाँ, ये थोड़ा नीचे से खुश्क हो जाएगा, फिर फटेगा नहीं, ये सही बनेगा। अच्छा, फटेगा नहीं, इस वजह से इसको थोड़ा सा पहले ऐसे ही सेकेंगे। अच्छा अच्छा भाई, इसमें चीज़ तो डाली नहीं है यार आपने? अभी इसका चीज़ का सेटिंग जो है अभी आने वाला है। पूरा पहले पराठा बन गया है, उस पर आलू का पूरा पराठा बनाया है, उसके बाद जो इन्होंने सब्जी जिसका इन्होंने पेस्ट बना के रखा हुआ था या फिर सब्जी का कटाकट बना के रखा हुआ था, कुछ भी कह लें, वो इन्होंने इस पराठे के ऊपर लगा दिया। ये चीज़ के स्लाइस किए जा रहे हैं भाई। अच्छा, इसको पूरा चकोर काटने चीज़ को? हाँ। ठीक है, चीज़ को पूरा पूरा चकोर काटा जा रहा है, इसके ऊपर वापस चिकन डाली जा रही है। अच्छा, इसके अंदर तो चिकन नहीं डाली थी ना? हाँ, मतलब ऊपर से भी आ रहा है इस पर सही करने की। अंदर डाली थी? नहीं। हाँ हाँ, अंदर डाली थी, अंदर चिकन डाली थी, अंदर पर आलू डाला था और इसके ऊपर भी उन्होंने चिकन डाल दी है। ये चीज़ रखा जा रहा है इसके ऊपर दुल्हन पराठे के ऊपर। अभी इसको वापस स्टिंग पे लगा, स्टिंग लगाना है। ठीक है, इसको दोबारा स्टीम किया जाएगा। जब सब्ज़ी को स्टीम दिया था तो प्लेट डायरेक्ट तवे पर रख दी थी, और अभी इन्होंने नीचे चिमटे रखे, इन्होंने थोड़ा सा अलग किया हुआ है पराठे को और इस तरीके से स्टीम दे रहे हैं ताकि इसका जो अंदर का सामान है वो प्लेट पर टच ना हो और इसका लुक ख़राब ना हो। अभी हो तो गया, ये निकल के आया है हमारा दुल्हन पराठा। ओए होए होए होए, क्या शक्ल है इसकी, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत आला पराठा हो गया तैयार। अब इसको काटा जा रहा है, इसके 4 पीसेस किए जाएंगे। ओके जी, तो ये है हमारा दुल्हन पराठा और मेरे सामने ये दुल्हन पराठा आ चुका है मेरे हाथ में। अच्छा, इसकी जो फील है ना, पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या गलत, जो आम दुल्हन होती है ना उसका दुल्हन का जोड़ा होता है जिसे हम शरारा कहते हैं या ब्राइडल ड्रेस जो होता है लाल कलर का और उस पर जो कढ़ाई वाला जो काम हुआ होता है ना, इसको देख के उसकी थोड़ी थोड़ी सी फील आ रही है, शायद आपको ना लगे
लेकिन शायद इसी की वजह से इसका नाम दुल्हन पराठा है या किसी और वजह से, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देख के मुझे थोड़ी थोड़ी सी वैसी फील आ रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं दुल्हन पराठा को, तो यार ये जो पराठा है ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा हैवी है। एक पराठे की परत, उसके ऊपर क्या नाम है आलू का वो जो उन्होंने डाला था पेस्ट डाला था, उसमें थोड़ी चिकन डाली थी, उसके ऊपर फिर सब्ज़ी, उसके ऊपर फिर चिकन, और उसके ऊपर फिर चीज़, मतलब काफ़ी हैवी है। तो इसको मैं खाऊंगा केचप के साथ पहले। जो हम आम जो फास्ट फूड खाते हैं या आम जो हम पिज़्ज़ा पराठा वगैरह खाते हैं उससे तो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी भी है, इसमें चीज़ भी है और इसमें चिकन भी है, यानी ये पिज़्ज़ा पराठा भी है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो वेजिटेबल पराठा और पिज़्ज़ा पराठा का थोड़ा सा मिक्सचर है, तो दोनों का टेस्ट इसमें आ रहा है और बहुत अच्छा है खाने में। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन मैं कहूँगा कि इसको कि एवरेज से ऊपर है, तो खा सकते हैं आप इसको, आगे ट्राई कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है ना इन्होंने केचप दी है, और केचप के साथ ये इन्होंने दिया है रायता। रायता ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखें ना इसको, ये देखें दिखाना, ये बहुत ज़्यादा पतला है, तो रायता तो भाई ऐसे ही है, रायता मुझे देखने से ही अच्छा नहीं लग रहा। केचप ठीक है, केचप नॉर्मल है, अच्छी खासी गाढ़ी केचप है, जिस तरह होना चाहिए केचप उसी तरह है, रायता अच्छा नहीं है। तो केचप के साथ आप इसको खा सकते हैं। लोकेशन जो है, मैं आपको यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आपको समझना पड़ेगी। गुलशन इकबाल 13D ब्लॉक 2 में, ये पीछे तो आप मेरे देख रहे हैं ये है नोमान कॉम्प्लेक्स। तो नोमान कॉम्प्लेक्स की बैक साइड पर आपको ये नज़र आएगा क्वेटा बलूचिस्तान होटल, तो यहाँ आप आ सकते हैं। हसन स्क्वायर से एक गली आ रही है गुलशन इकबाल के, वहाँ से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूँ फर्नीचर मार्केट की बैक साइड पर फर्नीचर मार्केट आएँ, उसके वहाँ पे आके आप किसी से भी पूछ लें कि नोमान कॉम्प्लेक्स का है, नोमान कॉम्प्लेक्स की बैक साइड पे आप आ जाएँ तो आपको ये क्वेटा बलूचिस्तान कैफ़े नज़र आ जाएगा, और यहाँ पर आके आप इसको ये दुल्हन पराठा यहाँ पे आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।